तो गाइज़, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं इस फैमी लोन टैबलेट के बारे में। तो गाइज़, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, ये एक कॉन्ट्रासेप्टिक पिल है, इसको डेली 21 डेज तक खाया जाता है। तो गाइज़, आज हम इसी बारे में जानेंगे कि ये टैबलेट आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, प्रिकॉशंस, डोजेज एंड इसके सब्सटीट्यूट्स के बारे में। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं। ट्वेंटी वन टैबलेट्स का प्राइस 250 रुपीज़ है। फैमिलोन टैबलेट ऑर्गेनोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बनाया हुआ ब्रांड है और इसके अंदर डेसोगेस्ट्रेल 0.15 mg और एथेनिल एस्ट्राडियोल 0.02 mg होता है। गाइस, तो चलिए अब इसे जल्दी से ओपन करके देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस फैमिलोन टैबलेट में हमें ये 21 टैबलेट का एक पैक मिलता है, ये सील्ड है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो गाइज, अब चलिए बात कर लेते हैं इस एथेनिल एस्ट्राडियोल के बारे में, किस किस यूजेस में आता है। एथेनिल एस्ट्राडियोल एक प्राइमरी वुमेन सेक्स हार्मोन है जो हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी के एक पार्ट के फॉर्म में बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को बनाए रखने का काम करता है, जिससे मेनोपोज के बाद होने वाले सिम्टम से राहत मिलती है। एसोगेस्ट्रल एक प्रोजेस्ट्रोन है और साथ में एस्ट्राडियोल के साथ यह अपने ओवरी से अंडे को रिलीज करके दबा देता है और प्रेगनेंसी के इंसिडेंट को सपोर्ट करके अदर मैकेनिज्म के साथ इंटरफ्रेंस से कॉन्ट्रासेप्टिक प्रोवाइड करता है और यह बॉडी में नेचुरल प्रोजेस्ट्रोन दबाकर इस तरह सीवियर डिप्रेशन सिम्टम्स, इरिटेबिलिटी, टेंशन और मुहासों में मदद करता है। अब गाइस, जल्दी से बात कर लेते हैं अब इस टैबलेट के यूजेस के बारे में, इस टैबलेट को आप किन किन प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इस टैबलेट को आप पीरियड्स के बाद होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, फीमेल हाइपोगोनेडिज्म की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, अंडाशय में गांठ की प्रॉब्लम में ले सकते हैं, मुहासों में PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में यूज़ कर सकते हैं, प्रेगनेंसी से बचने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस में और प्रोस्टेट कैंसर में। इन सब प्रॉब्लम्स में आप इस टैबलेट को इजीली यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग इस टैबलेट का यूज़ प्रेगनेंसी से बचने के लिए, मुहासों में और हार्मोन्स डिसबैलेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, इस टैबलेट को यूज़ करने से आपकी बॉडी पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। गाइज, इस टैबलेट को यूज़ करने से आपको वोमिटिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, ब्रेस्ट में कोमलता आ सकती है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं और पेट में गैस भी बन सकती है। इस टैबलेट के प्रिकॉशंस के बारे में बात करें तो इस टैबलेट को कब यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर आपको ड्रग एलर्जी हो, मतलब कि इस टैबलेट में दिए गए सोल्ट से एलर्जी होना, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, कैल्शियम का हाई लेवल हो, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, हाइपोथायरॉइडिज्म की प्रॉब्लम हो और स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इस टैबलेट का यूज़ ना करें। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के डोजेस के बारे में, इस टैबलेट को लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस टैबलेट को यूज़ करने से इरेगुलर पीरियड्स में भी राहत मिलती है। इस टैबलेट को डेली वंस अ डे दिन में एक बार लिया जाता है, वो भी कंटिन्यू 21 डेज तक, 7 डेज का गैप करके फिर से आप इस 21 टैबलेट के पैक को कंटिन्यू स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर इस टैबलेट को 3 मंथ्स तक कंटिन्यू खाने की सलाह देते हैं। अभी इस टैबलेट को प्रेगनेंसी से बचने के लिए खाया जाता है और हार्मोन्स रिप्लेसमेंट में भी दिया जाता है। इस टैबलेट की हेल्प से आप हर दिन विदाउट सेफ्टी सेक्स भी कर सकते हैं। अगर आपको इस टैबलेट से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगी हो तो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें बिना मत जाना। और गाइज, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइज, नीचे रेड बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, आप प्लीज़ जाके एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइज, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।